चीनी सामानों के साथ साथ चीन से आई राखियों का बहिष्कार का अभियान मोदी राखी और धार पा गया है। राखी के त्यौहार को हिंदुस्तान राखी के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया है। इस राष्ट्रीय अभियान में एक नया प्रयोग करते हुए मोदी राखी बनाई जा रही है। यह इतना फेमस हो गया है कि इसकी देश भर में व्यापारियों की मांग बढ़ गई है, इसलिए अब इस राखी को हर राज्य में बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही आज झारखंड के रांची में भी देखने को मिला, जहां एक ओर चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है, वहीं राजधानी रांची में लोकल को वोकल पर जोर दिया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक मुहिम राखी फॉर कोरोना वॉरियर्स, यह मुहिम वैसे कोरोना वॉरियर्स के लिए है जो दिन रात लोगों की सेवा के लिए डटे रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, सभी के लिए राखी का दिन जो लोकल हैंडमेक राखी है उसे पहनाया जाएगा। मुक्ता बताती है कि एक राखी को बनाने में 5 रुपया लगता है और कम से कम टाइम की बात करें तो 15 से 20 मिनट में एक राखी बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह लोगों से डोनेशन के रूप में कुछ पैसे लिए जा रहे हैं और उसे लोकल को वोकल पर जोर दिया जा रहा है। अब इस राखी को देख सकते हैं, बच्चे भी हैं जो बना रहे हैं, चावल हो या जो मोती होती है जो हम लोग याम यूज करते हैं, सुई धागा की बात हो, जो ऊन होता है या मोली धागा है उससे बनाया जा रहा है। हम लोग रक्षाबंधन के लिए राखी बना रहे हैं, हम लोग कोरोना वॉरियर्स के लिए राखी बना रहे हैं। अराउंड 200 to 400 हम लोग कल रात से राखी बनाना स्टार्ट किए हैं। और हम लोग जैसे वेस्ट मटेरियल्स जैसे वुल, चावल और मौली धागा, मोती, ये सब से हम लोग राखी बना रहे हैं और हम लोग उन्हें पार्सल करेंगे। मेरा नाम है रिद्धिमा। मेरा नाम है अहान। धन्यवाद। मैं लोगों से यह अपील करता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा राखी बना सकें। धन्यवाद। मेरा नाम है अक्षत। मेरे फ्लैट के बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मेरे बेटे और बेटियों ने और उनके टीचर और उनके दोस्तों ने मिल करके कोरोना वॉरियर्स के लिए राखी बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये राखी सारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, पारा चिकित्सा कर्मी, पुलिस, मीडिया कर्मी, जो जो लोग अभी कोरोना में हम लोग का साथ दे रहे हैं उन तक पहुंच जाए और इसमें हम मीडिया की मदद के लिए भी अपील करेंगे। और मैं खुद भी चाहूँगा कि मेरे भी अस्पताल में, मैं भी गांधीनगर अस्पताल में कार्यरत हूँ, मैं भी वहाँ पर डॉक्टर हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि ये राखियाँ मेरे अस्पताल के भी चिकित्सा कर्मियों, जो लोग कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, प्लस नर्सेज एवं पारा मेडिकल स्टाफ तक ये राखी पहुँचे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सत्यप्रकाश रंजन, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ENT हूँ गांधीनगर अस्पताल CCL रांची में। नमस्कार, मेरा नाम मुक्ता नारायण है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एक मुहिम चला है राखी फॉर कोरोना वॉरियर्स। वैसे तो हम लोग हर साल राखी आर्मी के लिए बनाते हैं लेकिन इस साल कुछ इनिशिएटिव करने का मौका मिला है तो आज हम लोग यहाँ पे राखी बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे ट्यूशन के स्टूडेंट सारे हेल्प कर रहे हैं हमारा यहाँ पे, फिर हम लोग सारे अपार्टमेंट से डोनेशन लिए और हम ये अपील करते हैं लोगों से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और लोकल टू वोकल को सपोर्ट करें। जैसे हम लोग खुद से राखी बना रहे हैं, चीन का जो राखी है वो लोग ना लेकर खुद ही बनाएं या जो खुद बनाकर बेचते हैं उनसे खरीदें जो गरीब लोग हैं। एक राखी का अराउंड 5 to 6 rupees कॉस्ट पड़ता है और 10 से 15-20 मिनट लग जाता है एक राखी को बनाने के।
बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग लोकल टू वोकल को सपोर्ट करेंगे तो चीन वाला जो प्रोडक्ट है वो खुद ही बैन हो जाएगा, बैन नहीं होगा मतलब उसका यूज़ कम होगा, तो चीन को मुनाफा भी कम होगा और जितना पैसा रहेगा वो सब देश में ही रहेगा।